अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिनाज वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन डिश उगड़ानी। ये कर्नाटका में और इंडिया और जो है ना यूपी के रायलसीमा में ये मशहूर है। इसके लिए जो है ना ये मुरमुरा लिया जाता है। तो मैं इसको धो के इस तरीके से ज़्यादा क्वान्टिटी में रख लिया हूँ। तो अब आपको जो है ना धोने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इसके अंदर देखिए इस तरीके से पोहा मिलता है मुरमुरे। इसको जो है इस तरीके से पानी में डाल के उनको थोड़ा डिप कर लेना। डिप कर लेके ऐसे वॉश करके इसको निकाल लेना। थोड़ा सा पानी में से डिप करेंगे फिर निकाल लेंगे ताकि वो सॉफ्ट बन जाए। ये तकरीबन जो है पौन किलो है। पौन किलो तक जो है ना 7-8 लोगों के लिए आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अंदर जो है ना बड़ी डली प्याज की 4 है, इसको इस तरीके से चॉप कर लेना। अब हम लोग जो है एक बाउल में तेल गरम कर लेंगे। अपने हिसाब से जितना तेल होना है उतना तेल ले लें। और उसके बाद राया और ज़ीरा इसके अंदर डाल देंगे फर्स्ट। अब इसके अंदर हम लोग प्याज डालें। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे। अपने हिसाब से आप जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो है हल्दी डालेंगे और प्याज को ज़्यादा लाल होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जो है थोड़ा क्रिस्पी रहा तो भी अच्छा रहता। नमक हल्दी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि पूरा पीले रंग में येलो रंग में दिखने के लिए। और उसके साथ ही जो है थोड़ा सा हम मिर्च ऐड कर लेंगे। देखिए पोहा के लिए अहम इंग्रेडिएंट है ये खुले चने की दाल। ये खुले चने की दाल को मैं लिया और इस तरीके से जो है ना ग्राइंड कर लिया, इसमें पाउडर बना लिया। अब हम लोग ये मिर्ची इसके अंदर डालने के बाद में जो है मुरमुरा जो धो लिए उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको जो है ना अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा ऑयल ऐड कर लेंगे ताकि ये मुरमुरे एक दूसरे को ना चिपके। तो अब इसको हम जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि थोड़ा अच्छा मिक्स हो जाए।